What is up guys, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो आज बात करेंगे रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेकिंग के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, म्यूजिक मेकिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में। किस लोकेशन पे बनाना चाहिए, मटेरियल क्या लगता है और बजट क्या रहता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि जानकारी काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर पॉसिबल हो सके तो आपकी लोकेशन कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बाहर का नॉइस कम हो, जहाँ ट्रैफिक नॉइस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना हो तो बेटर है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी लोकेशन नहीं है तो स्टूडियो में लगने वाले मटेरियल का कुछ ख्याल रखना होगा। और इस वीडियो में जो स्टूडियो आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली वुडन में बना हुआ है। ये दो वुडन के बोर्ड हैं जिनकी मोटाई 1 mm है और ये 8x12 feet का पार्टीशन है और इसमें बनने वाला है हमारा म्यूजिक स्टूडियो। और दोस्तों, अगर मैं इस स्टूडियो के बजट की बात करूं तो इसका बजट under 70,000 के करीब है। तो इस पार्टीशन में बनेगा हमारा एक कंट्रोल रूम और एक रिकॉर्डिंग रूम। दोस्तों, रिकॉर्डिंग रूम का जो साइज है आप मिनिमम रखें। रिकॉर्डिंग रूम जितना छोटा होगा उसमें उतनी बढ़िया साउंड प्रूफिंग होगी। ये जो रिकॉर्डिंग रूम आप देख रहे हैं ये 4.5x5 feet का है। इसकी चौड़ाई 4.5 और इसकी लंबाई 5 feet है और जो बचा हुआ एरिया है इसमें बनेगा हमारा कंट्रोल रूम। और दोस्तों, रिकॉर्डिंग रूम में चाहे तो आप ग्लास लगवा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कैमरे भी लगवा सकते हैं, जो एक बढ़िया ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि आपके स्टूडियो का डिजाइन क्या है, आपका रिकॉर्डिंग रूम स्टूडियो में अटैच है या रिकॉर्डिंग रूम में एक अलग से रिकॉर्डिंग चैम्बर बनाया गया है। अगर आप सेपरेट रिकॉर्डिंग चैम्बर बनवाते हैं तो ग्लास ही लगवाइए। ये जो रिकॉर्डिंग रूम है ये बिल्डिंग के हॉल में वुडन के पार्टीशन में बना हुआ है, इसीलिए इसके रिकॉर्डिंग रूम में ग्लास नहीं लगाया। तो दूसरा ऑप्शन इसमें कैमरे का है, जो कि एक बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आपका बजट कम है तो आप इसमें वेबकैम लगा सकते हैं, जो एक्सटेंशन केबल के जरिए आपके कंट्रोल रूम में रखे हुए पीसी से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आप लाइव सिंगर को अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। और कंट्रोल रूम के व्यू के लिए आप एक डोम कैमरा लगा सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड LCD टीवी है तो आप एक वाईफाई कैमरा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डोम कैमरा लगाते हैं तो ये कैमरा AV to HDMI कन्वर्टर के थ्रू आपके रिकॉर्डिंग रूम में लगी हुई LCD से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे सिंगर कंट्रोल रूम का व्यू देख पाएगा। मैंने वेबकैम और डोम कैमरा के सेटअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से बाय कर सकते हैं इसे। तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो सबसे पहले बनाया जाएगा रूफ। रूफ के लिए आपके पास होनी चाहिए सॉलिड वुड। आप वीडियो में देख सकते हैं ये है डोर फ्रेम वाली लकड़ी, जिससे स्टूडियो की छत का ढांचा बनाया जाएगा। सबसे पहले लकड़ी की कटिंग करके इसके कई स्लाइसेस बनाने होंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस सॉलिड वुड को कई पीसेस में डिवाइड किया गया है और ये देखिए, इसके बहुत सारे पीसेस बना दिए गए हैं। अब हर एक पीस की टी शेप बनाकर स्क्रू के जरिए इन लकड़ियों को दीवार से जोड़ दिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है स्टूडियो की छत का ढांचा। और अब इस ढांचे पर ये 1 mm का MDF बोर्ड लगाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है 1 mm की MDF बोर्ड की शीट, जिसे स्क्रू के जरिए इस सॉलिड वुड से जोड़ दिया गया है। और इस पार्टीशन में लगी है 3 8x8 feet की MDF शीट।
और ये स्टूडियो की छत रेडी है, और ये जो थोड़ी सी जगह और बची है इसे कवर करने में लगेंगे दो और टुकड़े। और ये देखिए दोस्तों, स्टूडियो की छत बनके रेडी है। और अब इस MDF बोर्ड पे लगेगी ये अकोस्टिक साउंड इंसुलेशन शीट। और इस शीट को स्टेपलर पिन के जरिए इस बोर्ड से चिपका दिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हीट शीट पूरी छत पे लग चुकी है। और अभी जो आप वॉल देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग रूम की वॉल है। इस वॉल से रिकॉर्डिंग रूम बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इसकी बाउंड्री बनाई जाएगी, और ये बाउंड्री की फट्टी है जो काटी गई है 2 mm के MDF बोर्ड से। और बाउंड्री वन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब लगाई जा रही है रिकॉर्डिंग रूम की वॉल। और ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग रूम की साइड वॉल लग चुकी है। और अब इसमें इंस्टॉल की गई है इसकी फ्लोरिंग सपोर्ट साइड फट्टी। इसकी दोनों फट्टी लग चुकी हैं, और इसी तरह से इसकी दूसरी वॉल भी इंस्टॉल हो चुकी है। और ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ढांचा तैयार हो चुका है। और सारी वॉल्स और रूफ पर अकोस्टिक इंसुलेशन शीट का काम भी पूरा हो चुका है। और दोस्तों, साउंड अकोस्टिक इंसुलेशन शीट लगने के बाद सेकंड स्टेप में इस शीट पर फोम को चिपकाया जाएगा। और दोस्तों, मार्केट में कई सारे फोम के टाइप अवेलेबल हैं। कौन सा फोम लेना चाहिए आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपका बजट बढ़िया है तो आप प्लेन अकोस्टिक फोम ही लें, नहीं तो मेम्बरी, पीयू या कोई भी गद्दे में लगने वाले आम फोम से भी काम चल जाएगा। और दोस्तों, फोम की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, साउंड प्रूफिंग उतनी ही बढ़िया होगी। और ये जो फोम आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ पीयू फोम है और कुछ मेम्बरी फोम। और इस फोम को इस हीट शीट पे चिपका दिया गया है। इस फोम को वॉल्स पर, रूफ पर, हर जगह चिपका दिया है। और अब थर्ड और लास्ट स्टेप में इस फोम के ऊपर इस कपड़े को लगाया जाएगा।
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फोम के ऊपर कपड़ा लग चुका है और हमारा स्टूडियो बन के रेडी हो चुका है। जो फाइनल काम बचता है वो है इसकी फ्लोरिंग का, और इसके फ्लोर पे जो गत्ते लगेंगे वो है EPE मैट्रेसेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है EPE मैट्रेस जो लगेगा स्टूडियो की फ्लोरिंग में। सारे गत्ते लग चुके हैं, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप में इन गद्दों पर एक मोटा कपड़ा लगाया जाएगा। तो सारे गद्दों पर कपड़ा लग चुका है, स्टूडियो बनके कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों ये है स्टूडियो का फाइनल लुक। और वीडियो के लास्ट में कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिकॉर्डिंग रूम का डोर बनवाएं, तो आपको रिकॉर्डिंग रूम के दरवाजे के डाउन साइड पर एक 12 या 15 mm का फ्रेम जरूर बनवाना है। इससे रिकॉर्डिंग रूम की साउंड प्रूफिंग बेटर होगी। और जो आपका रिकॉर्डिंग और मेन डोर है, दोनों की बाहरी साइड पर प्लाई की लेयर जरूर लगवाएं। अभी देख पा रहे हैं आप रिकॉर्डिंग रूम का डोर, और इस पे लगाई गई है 0.5 mm की MDF शीट। और दोनों डोर, रिकॉर्डिंग और मेन डोर पर डबल फोम जरूर लगवाएं, और अगर डबल फोम लगाना पॉसिबल नहीं है तो डोर के भीतरी हिस्सों पर सिंगल फोम और बाहरी हिस्सों पर साउंड अकोस्टिक इंसुलेशन शीट होना जरूरी है। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है रिकॉर्डिंग रूम का डोर जिस पे लगा हुआ है सिंगल फोम, और इसके बाहरी साइड साउंड अकोस्टिक सीट लगी हुई है। तो दोस्तों ये थी म्यूजिक स्टूडियो मेकिंग की ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी एक म्यूजिक स्टूडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पर DM भेज सकते हैं, या फिर आप स्टूडियो में लगने वाले इक्विपमेंट बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से बाय कर सकते हैं। या फिर आप स्टूडियो से रिगार्डिंग कोई भी इक्विपमेंट का रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।